हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल एंट्रीज के चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जनरल एंट्रीज करी हैं विदाउट जीएसटी। हमने जो जनरल एंट्रीज करी हैं वो एज़ पर मॉडर्न अप्रोच, एज़ पर ट्रेडिशनल अप्रोच, हमने पिछले वीडियोज़ में उनको अच्छे से समझा है। लेकिन हमने अभी तक उन जनरल एंट्रीज में जीएसटी कंसेप्ट को अभी नहीं लेके आए हैं। तो आज जो मैं ट्रांजेक्शन्स आपके लिए लेके आया हूँ उसमें जीएसटी के साथ में जनरल एंट्रीज वही हैं, लेकिन जीएसटी के साथ में इनपुट और आउटपुट किस तरह से लिखना है उसको हम समझेंगे आज अच्छे से। स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा एक सजेशंस है, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चार वीडियो जीएसटी के ऊपर देखे हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने पुराने चार वीडियोज़ में जीएसटी को बहुत अच्छे से समझाया है। अब अगर मैं इसको शुरू करता हूँ तो मैं ये समझूँगा कि आपने पुराने वीडियोस देखे हुए हैं, आपको जीएसटी का कंसेप्ट सारा कुछ मालूम है। और उस वीडियो में भी हमने जनरल एंट्रीज बताई हैं आपको, तो ये एक तरह से इस जनरल चैप्टर के अंदर ये आपका रिवीजन है। तो इन केस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं आपको ये फिर से बोलूँगा कि आप उन वीडियोस को पहले देखिए, और जीएसटी के वीडियोस की मैं आपको लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा इस वीडियो में। तो क्योंकि यहाँ मैं आपको बेस नहीं बताऊँगा, यहाँ मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। मैं फिर से ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ और एक ब्लैंक फॉर्मेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अब मैंने यहाँ से डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और आपका रूल्स हटा दिए हैं, क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रूल्स अब तक पता लग गए होंगे, अब हमने उस पर बहुत प्रैक्टिस कर ली है। तो अब हम रूल नहीं लिखेंगे, जो एक्चुअल जनरल एंट्रीज है उसी के ऊपर हम जाएंगे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6%। गुड्स परचेज किया है तो नॉर्मल एंट्री पहले आप देखिए क्या बनाते हैं। नॉर्मल एंट्री आप बनाते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते आप, टू कैश अकाउंट, नॉर्मल एंट्री यही होती। और आपका कैश अकाउंट परचेजेस कितने के थे? 5,000 के। लेकिन अब इस परचेजेस के अंदर CGST और SGST जुड़ा हुआ है 6%। तो हमने यहाँ परचेजेस के साथ ही पैसा दिया है ना वो वाला, तो परचेज के नीचे ही लिख देना है CGST और SGST। इसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये पैसा भी हमने गुड्स 5,000 का है उसके पास हमने इसको भी दिया है। कितना? 6% है, दोनों 6% है। तो ₹300 हमने CGST के दिए और ₹300 हमने SGST के दिए। तो टोटल हमने कैश जो दिया है वो 5,600 का दिया है। अब परचेज के साथ में हम जब CGST और GST देते हैं तो हम इसके साथ में इनपुट और लगा देते थे। तो ध्यान रखिए, परचेज के एकदम नीचे आपको CGST और SGST इनपुट ज़रूर लिखना है, और सेल्स के एकदम नीचे एकदम उसके साथ टिका देना है सेल्स अगर है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इस केस में हमारा CGST SGST है। हम और अगली ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे। नरेशंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹40,000। ₹40,000 का गुड्स परचेज किया राम के साथ विद CGST और SGST 6%। इशूड चेक ऑफ ₹20,000 बैलेंस आफ्टर 2 मंथ्स। हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो पहले आपका डेबिट आ ही गया, परचेज अकाउंट डेबिट। इसके नीचे एकदम टिका देना है इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितने का गुड्स लिया हमने? 40,000 का लिया है और 6% इस पे CGST है और 6% है इस पे SGST, यानी इट मीन्स 2400।
क्लियर है। अगर हमने कैश पेमेंट कर दी होती तो आप लिख देते टू कैश, सीधा यहाँ पे 44,800 लिख देते, लेकिन अभी हमने कैश पेमेंट नहीं करी है, हमने चेक पेमेंट करी है 20,000 की और बैलेंस हमने पे करना है 2 महीने के बाद। तो इन केस हमने अगर क्रेडिट पे परचेज़ किया होता तब आप क्या करते हैं, सीधा राम लिख देते और 44,800, लेकिन हमने 50% पेमेंट हमने कर दी है बाय चेक, तो हमारा क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट एंड टू इसका नाम क्या है, राम अकाउंट। कितनी हमने पेमेंट कर दी, 20,000, और बैलेंस पेमेंट कह रहे हैं 2 महीने के बाद करेंगे, इसका मतलब राम हमारा क्रेडिटर है ये, तो बैलेंस कितना रह गया, 24,800 ये बैलेंस रह गया हमारी, ये एंट्रीज इनके इक्वल होना चाहिए। चलिए और थर्ड एंट्री की तरफ समझते हैं, गुड्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विक्रम फॉर ₹50,000 प्लस IGST रुपीज़ एट द रेट 12%। IGST लगाया, इट मीन्स क्या है कि दूसरा स्टेट में है ये विक्रम, हम किसी और स्टेट में हैं, विक्रम किसी और स्टेट में है, तो सेल और परचेज बिटवीन टू स्टेट्स हुआ है तब IGST लगता है, तो फिर से परचेज अकाउंट तो है ही, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट के एकदम नीचे क्या ठिकाना है आपने, इनपुट IGST। अगर इनपुट IGST नहीं होता तो आप लिखते ही है, कितना है 12% है ये, 50,000 का लिया है, 6,000 हमारा IGST हो गया, और हमने विक्रम से लिया, कैश तो दिया नहीं है, इट मीन्स विक्रम हमारा क्रेडिटर है, हमने उसे क्रेडिट परचेज किया है, तो टू विक्रम नाम आ जाएगा, टू विक्रम लिख दीजिए 56,000। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फौरन कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिखिएगा ज़रूर मेरे को, मुझे भी पता लगना चाहिए स्टूडेंट्स को किस तरह की दिक्कतें आती हैं। फोर ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू मेहता ₹50,000 चार्ज CGST एंड SGST 6%। मेहता जी को गुड्स दिया है हमने और मेहता जी का नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब मेहता तो हमारे अब डेटर हो गए, मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स के एकदम नीचे क्या ठिकाना है, CGST और SGST, टू CGST टू SGST अकाउंट। सेल है हमारी 50,000 हमारा सेल्स अकाउंट और 6% 3,000 हमारा CGST, 3,000 हमारा SGST और 56,000 मेहता जी को डेबिट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स के नीचे हमने एकदम CGST SGST लगा दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड टू बबीता ₹60,000 अगेंस्ट चेक एंड चार्ज्ड IGST। बबीता से को गुड्स सोल्ड किया है, IGST चार्ज किया है, इसका मतलब बबीता किसी दूसरे शहर में है, हमारे शहर में नहीं है, तो ये एंट्री हम क्लोज करते हैं। बबीता ने चेक दिया है, चेक दिया है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, बैंक तो आ ही गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हमारा सेल्स अकाउंट तो है ही, और सेल्स के एकदम नीचे क्या टिकाना है आपने, IGST। सेल्स कितने की थी, 60,000 की, 60,000 की हमारी सेल है और 12% यानी कि 7,200 का हमारा IGST और 67,200 रुपीज़ का बबीता ने, इसका मतलब हमको चेक दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स अकाउंट टू IGST अकाउंट। तो कुछ एंट्रीज मैंने सेल्स और परचेज के ऊपर करी हैं, अभी हम और एंट्रीज लेंगे। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से इसमें पक्के हो जाओ CGST और SGST में, और साथ साथ हमारी जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, ठीक है। तो मैं भी इसको फिर से रैप कर रहा हूँ और एंट्रीज के साथ आ रहा हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, न्यू ट्रांजेक्शन्स लेके आ गया हूँ GST के साथ में, और आपके लिए फ्रेश फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज ये भी तैयार है। तो अब हम आगे चलेंगे और एंट्रीज देखते हैं, करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छा है। कंप्यूटर परचेज बाय अतुल एंड कंपनी फॉर रुपीज़ इतने प्लस IGST 12%, पेमेंट बाय चेक। अतुल एंड कंपनी से कंप्यूटर परचेज किया है और पेमेंट चेक से करी है और IGST दिया है। इट मीन्स जो स्टेट है वो डिफरेंट स्टेट है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट आया है हमारे पास, नया एसेट्स इंक्रीज हुई है हमारी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। जो भी चीज़ परचेज कर रहे हो उसके एकदम नीचे क्या टिकाना है, इनपुट CGST। इनपुट CGST नहीं है इस केस में, IGST है। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट बाय चेक है टू बैंक अकाउंट, खत्म कहानी। टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट दी होगी, कंप्यूटर तो था 50,000 का, उस पर 12% दिया, यानी कि 6,000 रुपीज़ हमने IGST भी पे कर दिया है। तो चेक जो दिया होगा वह 56,000 का दिया है। फिर से नरेशन आप खुद लिखोगे, बीइंग द अमाउंट पेड, बीइंग द चेक पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है आप उसका नरेशन लिखोगे। सेवंथ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, गुड्स डेट वर परचेज्ड पेइंग CGST एंड IGST एट द रेट ऑफ 6% कॉस्टिंग ₹2,000 गिवन एज सैंपल। 2,000 रुपये का गुड्स जो हमने ख़रीदा था CGST और IGST दे के 6% हमने दिया था, वो हमने एज सैंपल दे दिया। सैंपल हम किसको देते हैं और क्यों देते हैं हम सैंपल? सैंपल हम अपनी सेल्स प्रमोशन के लिए देते हैं, और सैंपल्स अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है एक तरह से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और क्रेडिट किसको करेंगे, ये तो हमारा एक्सपेंस हो गया, या सैंपल अकाउंट भी ले सकते हो, अगर सैंपल फ्री गिफ्ट्स अकाउंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये सेल्स प्रमोशन के लिए होता है। सैंपल दिया है तो सेल्स प्रमोशन है, मीन्स तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स दिया है तो हम गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, टू परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट के नीचे हम क्या टिका देते हैं, CGST और टू SGST, इसको हम टिका देते हैं। कितने का था गुड्स, 2,000 रुपये का था, और 6% 120 रुपीज़ हमने CGST दे दिए, 120 रुपीज़ हमने SGST दे दिए। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस हो गया 2,240 रुपीज़ का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और आगे चलें, गुड्स परचेज्ड पेइंग IGST एट द रेट 12% कॉस्टिंग 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो हमने परचेस किया था 2,000 रुपये का विद IGST, यानी कि हमने किसी और स्टेट से लिया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। तो इस तरह का जो गुड्स है बाय फायर जो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसको हम लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये भी एक तरह से खर्चा है, ये कुछ इररिकवरेबल लॉस है, ये जो गुड्स चलाई गया तो कुछ नहीं हो सकता है इसका। टू परचेज अकाउंट, और फिर से क्या होगा, परचेज अकाउंट के नीचे क्या टिकाना है हमने, टू IGST। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ ये, जिससे कि एक दफ़ा बस घुस जाए आप लोगों के दिमाग में, कितना 12% 2,000 का गुड्स और 12% 2,042,240 सेम। और आपको अगर GST का चैप्टर याद है जो हमने पहले किया था, ये जो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं हमारे,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये इस पे हमें इनपुट हमें सेट ऑफ नहीं कर सकते आप इस इनपुट को, ये आउटपुट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ये एक तरह से हमारा रिवर्सल हो गया हमारा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जीएसटी के वीडियोस को आप अच्छे से दोबारा से देख लीजिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। गुड्स परचेज्ड पेइंग आईजीएसटी एट द रेट 12% कॉस्टिंग 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹15,000। गुड्स फिर से डिस्ट्रॉय हो गया जो ₹20,000 का था और हमने उसके ऊपर आईजीएसटी भी दिया हुआ था 12%, वो डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने ₹15,000 का ही हमें क्लेम दिया है। इट मींस इट गुड्स इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अभी क्योंकि पैसा मिला नहीं है, अभी सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, तो इसका मतलब वो दे देंगे ₹15,000, तो वो दे देंगे, ठीक है। अगर मिल गया होता तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट, लेकिन अभी मिला नहीं है। अच्छा फिर आगे चलिए, टू हमारा कितने का गुड्स था, गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, कितने का गुड्स था हमारा, 20,000 का था, 20,000, और इसके ऊपर हमने आईजीएसटी पे किया, हमने आईजीएसटी पे किया 12%, परचेज के एकदम नीचे लगाइए टू इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी कितने का हो गया, 12%, 2,400। इट मीन्स 22,400 का गुड्स था और सिर्फ से 15,000 एडमिट किया है, तो बाकी तो हमारा लॉस हो गया ना, तो क्या आएगा फिर हमारी एक और एंट्री, एक और ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये खर्चा आ गया हमारा इतने का 7,400 से, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 7,400 से हमारा टैली होगा ये। इट मीन्स 15,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, इतने का हमें नुकसान है और इसके ऊपर जो हमारा इनपुट आईजीएसटी जो था वो 2,400 का था और गुड्स की कॉस्ट जो थी ₹20,000 थी। तो क्लियर है, ये आपकी बुक से ही एग्जांपल लिया हुआ है, अच्छा एग्जांपल है। अब अगर मैंने कहीं अगर इनपुट नहीं लिखा है तो आपने इनपुट ज़रूर लिखना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इनपुट नहीं लिखा है, यहाँ पे इनपुट लिखना है और इधर भी इनपुट लिखना है, ठीक है। एक लास्ट ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000 अगेंस्ट चेक एंड CGST SGST चार्ज 6%। हमारा पुराना फर्नीचर था उसको हमने बेचा है और उसको बेचने के साथ में हमने CGST SGST भी चार्ज किया है और हमें जो पैसा मिला है वो चेक से मिला है, तो क्या एंट्रीज होगी। मैं पहले इनको क्लोज कर दूँ सबको, ये क्लोज कर दिया, हमें चेक से पेमेंट हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, गया क्या है हमारा, टू फर्नीचर अकाउंट, और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही जो भी चीज़ परचेज हो रही है, सेल हो रही है, उसके एकदम से नीचे हमने क्या ठिकाना है, CGST और SGST, तो यहाँ फर्नीचर हमने सेल करके किया है तो हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये ज़रूर लिखिएगा, सेल किया है तो आउटपुट और परचेज किया तो इनपुट। तो हमने फर्नीचर परचेज सेल किया था 5,000 का, ₹300 हमने CGST चार्ज किए हैं, ₹300 हमने SGST और टोटल जो हमें चेक मिला है ₹5,600 का। तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह से पूरी हुई है। तो ये ट्रांजैक्शंस थी GST के साथ में, होप आपको समझ में आई होंगी, और अभी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बुक में आपकी और भी मिसलेनियस एंट्रीज दी हुई हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो मैं जितनी भी थोड़ी सी जो टिपिकल थी मैंने उनको लेके यहाँ पे चला हूँ आपको, तो आप और प्रैक्टिस करिएगा और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो
नई तरह की जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर आएगा, तो आप उसको देखते रहिए, बने रहिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें लिखिए। ठीक, थैंक यू।